इस वीडियो में भाई मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ और ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो यानी कम से कम भाई को मालूम होगा और इसका इलाज मालूम होगा। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी इस वीडियो को अभी बारीकी से देखें, एंड तक के देखें, क्योंकि क्या होता है कि भाई कबूतर आपके पास भी है, मेरे पास भी है और सबके पास कबूतर है। बहुत से भाई को मालूम है, बहुत से भाई को नहीं मालूम है, और जिसको नहीं मालूम होता ना तो वो कुछ भी कबूतरों पर इलाज कर लेता है और कबूतर जाया हो जाते, कबूतर मर जाते हैं। तो भाई मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको कि आपको कबूतर की किस तरीके से पहचान करना है और इसका इलाज क्या करना है। तो गाइस मैंने आपको दिखाने के लिए कबूतर लेके आया हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई देखो जब कबूतर बीमार हो जाता है तो उसकी पहचान किस तरीके से करना है आपको, क्योंकि यार कबूतर में जो दो मिनट के लिए जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो भाई कई तरीके से तबीयत ख़राब होती है। सर्दी हो गई, बुखार हो गई, बदन दर्द हो गया है, कमर दुख रही है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, ठीक है ना, लूज मोशन लग गया है, ये हर तरीके का अपने को ये होती है। तो ऐसा भाई परिंदों में भी होती है। अब परिंदों में आप कबूतर ले लो, बर्ड्स ले लो, जो चाहो भाई वो परिंदा आप ले सकते हो। तो अपने को पहचान किस तरीके से करना है भाई, ये जो वीडियो है ना भाई आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो है। अब बनाना भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाऊँ ताकि हर एक भाई को मालूम पड़ जाए कि पहचान किस तरीके से हम करें। जो भी कबूतर बीमार पड़ जाता है, जो कबूतर बीमार है, भूल के बैठा हुआ है, तो उसको आपको वाले में क्या करना है, पहले आपको चेक ये करना है कि इस कबूतर को बुखार तो नहीं है। बुखार किस तरीके से चेक होता मालूम आपको, इस जगह पे, यहाँ पर ये आपको इस तरीके से पर खोलना है। पर खोलने के बाद यहाँ आपको यहाँ इस टाइप से लगाना है। जब ये बगल वाला इससे कबूतर का कभी तप रहा है तो आप समझ जाना इस कबूतर को बुखार है। भाई ये पंजा, अभी मैं नॉर्मली इस कबूतर के पंजे को हाथ लगा रहा हूँ, नीचे वाले पंजे को, तो ये नॉर्मल ठंडा है यानी, और कभी इस कबूतर को बुखार होगा ना तो भाई ये पंजा भी पूरा गर्म रहेगा। ये मैं पहचान आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यार भाई कबूतर फूल के बैठा है, ये इलाज कर लिए। जो दूसरा इलाज है ना, आपने कोई सा भी एक गलत इलाज करके उस कबूतर की जान जाया हो जाती है। बाकी पहचान करना हमारे को ज़रूरी है। अब मैंने आपको दो तरीका मैंने आपको बताया, एक तो ये इस तरीके से आपको देखना है कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, दूसरी बात भाई पंजा, ये पंजा भाई ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। कभी दोनों चीज़ ज़्यादा गर्म हो रही है, कबूतर फूल के बैठा है, बीमार है, तो आप समझ जाना इस कबूतर को बुखार है। और दूसरी बात एक तरीका और याला है, बीमार कबूतर को आपको पकड़ना है। बीमार कबूतर पकड़ने के बाद में इस तरीके से करना है, करने के बाद में यहाँ इधर लगाना है, यहाँ इस टाइप से आपको लगा के देखना है। एक तो यहाँ लगा के देखना है, कभी ज़्यादा तप रहा होगा तो आपको तपिस दिखेंगी। ये चीज़ आप पेट वाला हिस्सा कान पे जब आप लगाओगे ना तो आपको महसूस ये होगा कि अभी इस कबूतर को सर्दी है, तो आपको अलग ही इसके अंदर आवाज़ आ जाएगी, पेट के अंदर खड़खड़ करने की, खड़खड़ करने की। उसके अलावा आप फिर आप समझ जाना कि इस कबूतर को बुखार हो चुका है, प्लस सर्दी खांसी भी हो चुकी है। अब इसका इलाज क्या करना है, ठीक है ना। अब आती है भाई इसके इलाज के बाद, क्योंकि भाई मैं जो भी एक टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, जो भी एक बीमारी की वीडियो बनाता ना उसके बारे में भी पूरा आपको जानकारी देता हूँ मैं। इससे पहले मैंने सूखे का इलाज बताया, सूखे की पहचान बताया कि सूखे की पहचान भाई इस तरीके से होती है और ये मेडिसिन देना है। अभी मैंने आपको क्या बताया, कबूतर को सर्दी खांसी बुखार ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना। कबूतर सर्दी में आया, बुखार में भी आएगा, 100% बुखार में आना ही है। और आज की इस वीडियो में जो आपको मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ, जो टॉनिक बताने वाला हूँ, वो टॉनिक भाई ऐसी है कि आपने कभी सर्दी वाले कबूतर को वो टॉनिक दे दिया कबूतर आपका सही, बुखार वाले कबूतर को टॉनिक आपने दे दिए भाई 100% भाई वो कबूतर आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये आपको समझना होगा, ये बस इस तरीके से पहचान करना कबूतर को। आप बस देख लो कबूतर फूल के बैठा है ना, पंजे देख लो, बगल देख लो, ये सीने वाला हिस्सा देख लो, ये सीने वाला हिस्सा, ये हिस्सा देख लो, कान पे लगा के देख लो, है ना। ये दो तीन तरीके से आपको पहचान हो जाएंगी। अभी आपका कबूतर बीमार है और इसमें बुखार नहीं है, सीना खड़खड़ नहीं कर रहा है, तो भाई इसका इलाज दूसरा करना है। मैं हर वीडियो में आपको पहचान के साथ साथ और उसका इलाज भी बताऊँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और है भाई, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर भाई के लिए कि हर बार जो भी वीडियो बनाऊँ
अलग हटके बनाओ और आपका वही फ़ायदा उसके अंदर। अब मैं आपको टॉनिक बताने से पहले इस कबूतर को भी छोड़ देता हूँ। आपके मोबाइल स्क्रीन पे टॉनिक का नाम देख लो, इसका नाम है फ्लैक्सन सस्पेंशन। ये आप इसकी इमेज देख लो और ये टॉनिक आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी और इसका वही जो प्राइस आएंगी मेडिकल स्टोर पे ये करीब 36 रुपये की बॉटल आएंगी। 60 ml की आप लेके आ जाओ या 30 ml की लेके आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टॉनिक का भाई काम मालूम है क्या है, कभी आपके कबूतर में सर्दी खांसी बुखार, कभी आपका कबूतर का जो शरीर दर्द कर रहा है, कबूतर का शरीर दर्द भी कर रहा है वो हमको नहीं मालूम है ना, क्योंकि सर्दी खांसी होती है ना भाई तो शरीर भी दर्द करता है। तो ये जो टॉनिक है ये इन सभी चीज़ों पर काम करेगी, सभी चीज़ पर काम करेगी। और ये टॉनिक इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताया, तो आपको लेना है छोटा ड्रॉप, छोटा ड्रॉप से करीब 3 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम में, 3 बूंद सुबह देना है 2 बूंद शाम में देना है उस कबूतर को, सिर्फ दो दिन देना है। मैंने आपको बारीकी से बता दिया भाई, ठीक है, जी समझ में आए तो रिवर्स करके आप देख लेना, इंशाल्लाह भाई वो कबूतर आपका चुटकियों में सही हो जाएगा। कभी आपके पूरी जाल में वो प्रॉब्लम देखने में आ रही है जो एक कबूतर में सर्दी खांसी हो कुछ हो चुकी है आपके कबूतर जाल में, हम एक एक कबूतर को देंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। तो मैं आपको ज़्यादा कबूतर के हिसाब से भी बता देता हूँ, आपको लेना है 1 लीटर पानी हल्का सा गर्म कर लेना है, उसमें 5 ml डाल के कबूतर को 3 दिन पिला देना है। ये मैं ज़्यादा कबूतर के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा कबूतर बोले तो 10 कबूतर 15 कबूतर 20 कबूतर, ये मैं इतने कबूतर के लिए आपको बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी में 5 ml डाल के आपको सब कबूतर को पिला देना है 3 दिन, दिन में एक बार। इंशाल्लाह भाई आपके खुद्दे में यानी कबूतर अभी बीमार पड़ रहे होंगे धीरे करके सर्दी खांसी बुखार में जा रहे होंगे, कबूतर भाई चुटकियों में सही हो जाएगा आपको। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं ये वीडियो बनाया मैंने इसको सबसे ज़्यादा भाई ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि भाई हमारा काम भाई बहुत अलग है भाई, मैं बहुत ही सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ना तो भाई वीडियो में जान डालता हूँ, आपका फ़ायदा होना चाहिए। मेरी तरफ से भाई सभी भाई के लिए सपोर्ट है। अब बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि बस भाई आपका नंबर दो, कबूतर के बारे में पूछना है, ये बीमारी के बारे में पूछना है। भाई यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, ढेरों वीडियो है, आप जो भी वीडियो देखेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भाई मेडिसिन इसमें मैं देसी इलाज बताता हूँ, मेडिसिन वाला भी इलाज बताता हूँ, मैं हर बार अलग अलग मेडिसिन अलग अलग देसी इलाज बताते रहता हूँ। क्या कुछ भाई को क्या होता है कि ये जो हम जो बताते हैं वो नहीं मिलती है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में आपको तरीका बता देंगे, वो चीज़ मिल जाएगी आपको।